ये वायरल है, ये मेरे बातों का असर नहीं है, ये वायरल है. You want to sit? पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नहीं गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा गला बहुत ख़राब है पर मैं बोलने की कोशिश करूँगी बिना खांसे. दिया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, थैंक यू. शूटिंग के दौरान भी हमेशा इसी तरह वो हौसला बढ़ाती थी मेरा, पूरे टीम का. तो 51 डेज में हमने शूटिंग खत्म की पर कभी लगा नहीं कि रोज उठ के हम काम पे जा रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बारिश, पर कभी ये मेहनत का एहसास ही नहीं हुआ. ये जो दो गाने आपने देखे हैं, चार खास गानों में से ये दो है और मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स तू है जो दूसरा गाना आपने देखा. गाना सुनते ही हम लोग गोलकुंडा फोर्ट में शूटिंग कर रहे थे तो दिया वहाँ थी नहीं, तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि जब भी, चाहे वो 80 साल की उम्र में हो या 90 या 100, उम्मीद करती हूँ उससे पहले नहीं, पर जब भी मैं ये जहाँ छोड़ूंगी उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं दुनिया में ये गाना कोई मेरे लिए बजाएगा मेरी याद में. कि लोगों के जहन में यही होगा कि अर्जिया दे रहा है दिल आओ. ये इट्स, आई थिंक इट्स द बेस्ट सॉन्ग आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग 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 टाइम एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स दिस फिल्म. तो थैंक यू दिया, शांतनु, स्वानंद एंड एवरीवन हु गेव मी दिस सॉन्ग. सही है कि मैं मुगलपुरा की हूँ पर फिलहाल मैं मुंबई आई हुई हूँ और मेरी फितरत है जासूसी करना. मैं यहाँ फिल्म प्रमोशन के लिए आई पर जासूसी फितरत है आलोक तो मैं यहाँ पे भी काम शुरू कर दी. सही सुने आप, अब मैं बॉलीवुड पे जासूसी करने वाली हूं. बॉबी अब बॉलीवुड पे जासूसी करेंगी और मैं आप सब लोगों के लिए अंग्रेजी भी सीख के आ गई. वो क्या है ना, रिलायंस के लोग सब लिख के देते क्या बोलना कैसे बोलना. सो दिस इज अ लॉन्च ऑफ आवर ब्लॉग एंड the idea is to have lots of fun. There's nothing personal about it. हाँ, बिना नाम लिए कुछ भी पर्सनल होता नहीं है वैसे भी. पर ये छोटे छोटे जो किस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बहुत ही हार्मलेस हैं पर सुनने में आया बॉबी के तो वो आप सबको बताएगी.
तो मैं पहला ब्लॉग आपके लिए पढ़ने वाली हूं. A dynamic producer who enjoyed three back-to-back hits this year and who gave a mounted launch to an industry kid recently has been going to great lengths to hide the date on which his next project is going on floors. There's been a lot of speculation around it as it's one of the most awaited releases of next year. And for this project, the producer has paired up with a director who's worked on some very popular and loved projects. This project will be their second collaboration together, and this time they're bringing together a Jodi who has delivered a super hit film last year and who were a real life couple a few years ago. The date may be hidden from the rest of the world, but Bobby ko sab malum. Bobby apne Jyotishi avatar mein announce karti hai ki this producer considers 9 his lucky number, and that is exactly the when the much awaited film goes on floors, 9th July. अब नाम नको पूछो. बॉबी क्लाइंट और टारगेट का नाम फ्री में नहीं बताती. समझने वाली को इशारा ही काफी है. क्या समझे? हाँ, कुछ समझे? समझ गए? मेरे को कुछ सुनने में नहीं आ रहा. ऐसा क्यों? आप गेस करते रहो. मैं हर दूसरे दिन आपके तरफ ऐसे कुछ किस्से भेजती रहूंगी. इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बॉबी से सवाल नहीं कर सकते. द फ्लोर इज ओपन टू क्यू एंड ए नाउ, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. थैंक यू. सबका पोल खोलने वाली हूं, इसमें मीडिया भी शामिल है. अब पूछो. With in the poster itself, we can just get to see that her different 7 faces. I think she is like 7 wonder to Bollywood. So when you just got to know that she has been bugged by this keeda of jasusi. देखो, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ, समझे ना? तो मेरे को सुनने में आया कि एक लड़की है बॉबी, उसको जो है जासूसी का बहुत कीड़ा है. उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो मैं सोची कि कौन कर सकता इस लड़की को परफेक्टली रिप्रेजेंट. और आपने खुद कह दिया कि विद्या बालन 7th वंडर ऑफ बॉलीवुड हैं, तो हम पहुंच गए उनके पास बॉबी का किरदार निभाने. और बेहद खुश हैं कि उन्होंने ये किरदार निभाया, क्योंकि ये सिर्फ डिस्गाइजेस नहीं है, ये एक एहसास है उनके एक्टिंग प्रोवेस का. क्योंकि रूप तो हम सब ढाल सकते हैं, पर वो बन जाना उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात होती है. और मजेदार बात ये है कि पहले दिन हम जब शूट कर रहे थे तो भिखारी बनकर विद्या बालन जी हैदराबाद के सड़कों पर बैठ गई थी भीख मांगने के लिए असली भिखारियों के साथ. किसी को पता तक नहीं चला कि ये खुद विद्या बालन है भिखारी के अवतार में. और जब एक लेडी गुजर रही थी और इन्होंने उनको हाथ लगा के बोला अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो इस औरत ने इनको पलट के खूब डांट लगाई, कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक लग रहे हैं, तुम भीख मांग रही हो. सो दैट वाज अ ग्रेट साइन कि ये जो भी करती है ना बहुत अच्छी तरह से करती है. विद्या, थैंक यू. विद्या, हाय. हाय. इन 7 अलग अलग रूप में सबसे अच्छा रूप आपको कौन सा लगा और सबसे मुश्किल कौन सा था? सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से वो वाला मौलवी का, जिसमें मेरे नाक के अंदर नली जैसा कुछ घुसाया था उन्होंने ताकि नाक चौड़ी लगे. तो और उसमें भागना बहुत था मुझे,
इस डिस्गाइज में, तो मुझे लगता था कि भागते वक्त वो कहीं सांस लेते वक्त वो अंदर चला जाएगा, वो सिर्फ वहम था मेरा। तो हर बार जब मैं शॉट शुरू करती थी तो लगता था कि कहीं अंदर तो नहीं जा रहा। तो पर उसके अलावा मैं नहीं कहूंगी कि किसी भी तरह की मुश्किलात हुई, सभी में बड़ा मजा आया। एक और है ज्योतिषी का, जो इस पोस्टर पे नहीं है, उसमें मैंने बहुत गंदे दांत पहने हैं, एक आधा गंजा विग और चेहरे पे थोड़े थोड़े बाल लगा लिए, तो उसमें बहुत चिपचिप महसूस हुआ मुझे। पर हर डिस्गाइस में मजा आया, क्योंकि हर डिस्गाइस अलग था मेरे लिए। जब मैं अपने आप को देखती थी आईने में तो लगता था कि अरे ये कुछ और कर गए हम लोग, और फिर खुद ब खुद मेरी आवाज बदल जाती और फिर वो चलने वलने का ढंग बदल जाता। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत मजेदार होता है।